वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर हम फ्रिज लेने जाते हैं, जी हाँ, अगर हम फ्रिज लेने जाते हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हम उस फ्रिज में एक बोतल पानी या आइसक्रीम रख देते हैं तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पानी या बोतल बोतल का पानी या आइसक्रीम कितने समय में वो जम जाएगा। जी हाँ, कितने समय में वो जम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करना था, हमने कैलकुलेशन पहले से ही कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इतनी तेज है कि जितने में हम आपको वीडियो में कैलकुलेशन समझाएंगे उससे पहले 3 घंटे की पिक्चर खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए तो वीडियो को छोटा रखना जरूरी है, नहीं तो आप देखोगे नहीं। तो ऐसे के लिए हमने कैलकुलेशन पहले से कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या चाहिए, हा? फ्रिज। अरे फ्रिज, फ्रिज नहीं लोगे तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो हम मार्केट में दुकान पर चले जाते हैं। क्या? हाँ, दुकान पर जाते हैं, हम कहते हैं हमें एक बढ़िया सा फ्रिज दे दो। तो वो क्या करता है, वो एक बड़ा सा फ्रिज लेकर आता है। तो हम देखते हैं ये 500 वाट का है। तो हमारे घर पे हमको कोई ऐसा फ्रिज चाहिए होता है जो इन्वर्टर से भी चल जाए, है कि नहीं, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा कटती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं नहीं, हमें इन्वर्टर से चलने वाला फ्रिज चाहिए। तो वो 150-200 वाट का फ्रिज लेकर आता है। तो ऐसे में हमको 200 वाट का फ्रिज बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं हाँ हमें 200 वाट का फ्रिज चाहिए। अब इसके बाद वो दुकानदार क्या करता है, 200 वाट का 5 रेटिंग वाला फ्रिज लेकर आता है। 5 रेटिंग नहीं समझते हो, 200 वाट के फ्रिज में इस तरह से स्टार रेटिंग एक लेबल देखते होगे ना, जिसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दिया होता है ना। तो यहाँ पर ज्यादा लोग क्या समझते हैं कि जितना ज्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना हमारा बिजली का बिल कम आएगा, है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये स्टार रेटिंग बिजली के बिल पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। कैसे, चलो देखते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए पता है, अगर हम मान लो 200 वाट का हम 1 स्टार रेटिंग का भी फ्रिज लेते हैं तब भी वो उतना ही बिजली खाएगा जितना कि 200 वाट का 5 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज। मतलब 1 स्टार रेटिंग 2 स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग यहाँ पर मायने नहीं रख रहा है। क्यों? अरे हम फ्रिज लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि हम आइसक्रीम जमाने के बाद तुरंत फ्रिज बंद कर देंगे। हमारे घर में हम फ्रिज किस लिए लेते हैं, ताकि हमारे सामान जो खाने की सब्जी है वो सुरक्षित रहे। तो ऐसी कंडीशन में वो लगभग दिन में 5 से 7 घंटा चलती है कि नहीं। तो ऐसे में अगर 200 वाट का फ्रिज हम 1 स्टार रेटिंग का लेते हैं या 10 स्टार रेटिंग का लेते हैं, बिजली का बिल उतना ही आएगा। क्यों? बिजली का बिल यहाँ पर वाट पर डिपेंड कर रहा है कि वो फ्रिज कितने वाट का है। अब 500 वाट का लोगे तो हाँ वो ज्यादा पावर खाएगा, और 200 वाट का फ्रिज लोगे तो वो कम पावर खाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम 200 वाट का फ्रिज लेते हैं तो वो दुकानदार हमको क्या कहता है, आप 5 स्टार रेटिंग वाला लीजिए तो वो कम खाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 5 स्टार पे चिपक जाते हैं लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, अब 5 स्टार रेटिंग क्या है, क्या वो उल्लू बनाने के लिए दिया है? नहीं बच्चा, 5 स्टार रेटिंग का मतलब है उस फ्रिज की दक्षता कितनी है, मतलब वो फ्रिज कितना एफिशियंट है। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो, किसी चीज की दक्षता उसकी इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब हमें उस फ्रिज को चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। मान लो हमने 200 वाट का फ्रिज लिया, है ना, 200 वाट का फ्रिज लिया, तो उस फ्रिज को चलाने के लिए हमको 200 वाट एनर्जी देनी पड़ेगी, 200 वाट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हमारा इनपुट हुआ, क्या? हाँ, इनपुट हुआ। अब इस फ्रिज द्वारा हमें जितनी एनर्जी मिल रही है, कहने का मतलब इस फ्रिज द्वारा हम जितना काम करवा पा रहे हैं उसको भी, काम का जो यूनिट होता है उसको भी हम वाट में ही यहाँ पे देखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा फ्रिज जितना काम कर रहा है उसको भी हम क्या करते हैं, वाट में देखते हैं। तो इनपुट के मुकाबले क्या वो 200 वाट के बराबर काम कर पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, नुकसान हो जाती है, लॉस हो जाती है। कैसे? आप देखे होंगे ना, फ्रिज के पीछे रेडिएटर लगा होता है, वो भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों? गर्मी में क्या होता है, रेडिएटर बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। पीछे की जालियां देखे होंगे ना फ्रिज की, है कि नहीं। वो किस लिए होता है, ताकि वो फ्रिज की गर्मी को निकाल सके। अब क्योंकि बाहर का भी मौसम गर्म होगा तो रेडिएटर बढ़िया से काम कर पाएगा? नहीं। ठंडा मौसम होगा तो हाँ कर पाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि हमारा फ्रिज गर्मी के समय में क्या होगा, आउटपुट कम देगा, और ठंडी के समय में ठीक ठाक आउटपुट दे लेगा। मतलब वो जितना दे सकता है उतना दे लेगा, है कि नहीं। लेकिन कभी भी 200 वाट का फ्रिज है तो 200 वाट के बराबर ही आउटपुट नहीं देता है कोई भी मशीन। हम एक मिक्सर भी ले आते हैं 500 वाट का, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो 500 वाट के बराबर ही हमको काम करके देगा। नहीं, उसकी पावर कुछ ना कुछ नुकसान जाएगी। हो सकता है मोटर चलने में फ्रिक्शन घर्षण बल की वजह से नुकसान जा रहा हो उस पावर, है कि नहीं। तो अभी हमें मिक्सर नहीं खरीदना है, ठीक है, फ्रिज। तो हमने देखा फ्रिज के पीछे लेबल पर लिखा था इसकी दक्षता कितनी है, 80%, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% है। तो बच्चा एफिशिएंसी की जो असेंबल होता है ये कुछ लंबा सा एन लिखा जाता है, इसको ईटा कहते हैं। जी हाँ, ये आपके दीवार वाला ईटा मत उखाड़ लेना, ठीक है, इसको ईटा कहते हैं। अब इससे लिखा गया है क्या, 80% दक्षता है। कभी 80% की जगह 0.8 भी लिखा होता है, 0.8 लिखा हो तो समझ लो 80%, या 0.7 लिखा हो तो 70%, है ना, और 0.75 लिखा हो तो 75%, ठीक है। कभी कभी एफिशिएंसी को इस तरह से भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना लिपिट पढ़ने में।
तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ्रिज है वो 80% दक्षता का है। हमने क्या किया, 5 स्टार रेटिंग का ना लेकर 4 स्टार रेटिंग कर लिया। अब क्यों, देखो समझ में आएगा ठीक है। अब हमने क्या किया, 80% दक्षता का है फ्रिज, तो मतलब इसके द्वारा जो हमें इनपुट मतलब सॉरी आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, दक्षता देखो बच्चा, दक्षता हमें क्या बताता है कि कितनी पावर नुकसान में जाने के बाद आपको कितनी पावर आउटपुट में मिल रही है। तो हम कैसे आउटपुट निकालेंगे, है ना, प्रतिशत निकाल लो, 200 का 80% कितना होगा, इतना से कर लेंगे, 200 × 80/100, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 160 वॉट, है ना, 160 वॉट। मतलब हमारा जो 200 वॉट का फ्रिज है ना, वो सिर्फ 80% मतलब 160 वाट के बराबर ही काम करके हमें दे सकता है, लेकिन उसको चलने के लिए 200 वाट ही एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं वो एनर्जी भी कम खाना चालू कर देगा, ठीक है। अब समझ में आया, टोटल जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं उतनी एनर्जी का वो काम नहीं कर पाता है। अब बात आ गई कुछ बच्चियों को, हाँ कुछ बच्चियों को कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। देखो बच्चा, कैलकुलेशन करने में आप 0 को 0 काट लो, देखो ऐसे 200 का 80 में गुणा करोगे, 100 से भाग दे दोगे, तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में क्या करो, 1 0 इधर से काट लो, 1 0 इधर से काट लो, ठीक है। देखो 2 0 इधर कट गए, 2 0 इधर कट गए, तो ऐसे में आप कैसे उतार सकते हो इसको, ऐसे हाँ है कि नहीं, अब आसानी से हो जाएगा ठीक। या तो डायरेक्ट, या देखो 2 0 इधर से काट लो, 2 0 इधर से काट लो, इधर का 1 0 काटने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे उतरेगा। अब दोनों बारी में क्या होगा, आंसर वही आएगा जो ऐसे पूरा काटने पर आता, कैसे, देखो 2 का 8 बार पढ़ो क्या आएगा, 16 आएगा। अब 0 बढ़ा दो, है कि नहीं, अब 1 से भाग दोगे तब भी वही आएगा, सिंपल है ना, बहुत अच्छे, हमेशा ध्यान देना। अब मान लो हमारा फ्रिज 80% दक्षता का ना होकर 75% है, कितना 75% है, तो ऐसे में क्या करोगे, यहीं पर आप 75 लिख लो, हाँ 75 लिख लो, तब भी आपको 0 इसी तरह काटना है, 2 0 जैसे 2 0 जैसे काट दो, हाँ। तो बस यही जो 160 वाट की जगह है, हाँ वो 160 वाट की जगह क्या होगा, 150 वाट हो जाएगा, उसकी दक्षता 150 वाट हो जाएगी। अब इसी दक्षता को हम स्टार रेटिंग में लिखते हैं, जी हाँ इसी दक्षता को। मान लो हमारा 1 स्टार वाला फ्रिज है, जिसकी दक्षता कुछ लगभग मान लो 70% है, कितना 70। 2 स्टार वाला रेटिंग का फ्रिज ले लेते हैं तो मान लो उसकी दक्षता 75% हो जाती है। 3 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज ले लेते हैं तो उसकी मान लो 80% हो जाती है, हाँ 4 स्टार ले लेते हैं तो 85% हो जाएगी, हाँ। तो इस तरह से ये देखो, ये कोई तय पैमाना नहीं है, ठीक है, ये ऊपर नीचे जा सकता है ना। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि मान लो हमने 4 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज लिया, हाँ तो हमारी जो फ्रिज की दक्षता थी वो 80% ही है, हाँ कभी कभी पीछे लेबल पर लिखा भी होता है, और नहीं तो ये समझ लेना, ठीक है। लेकिन जो बिजली का बिल है, याद रखो बिजली का बिल इनपुट पर डिपेंड करता है, ना कि इस पर, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें 80% दक्षता वाला था, तो हमने जाना कि 160 वाट के बराबर ये काम कर सकता है, क्या, हाँ 160 वाट के बराबर काम कर सकता है। अब समझ में आया। अब देखो अगर हम 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज ले लें, तो 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज ले लें, तो मान लो हमारा जो 80% दक्षता का था 4 स्टार रेटिंग का, ठीक 4 स्टार रेटिंग का है, तो अगर 3 स्टार रेटिंग का तो हो सकता है सिर्फ 5 या 10% ऊपर नीचे हो। तो ऐसे में 5 या 10% कब ऊपर नीचे होगा, कब यहाँ पर बिजली का बिल हमारा बचेगा, तब देखो बच्चा, अगर मान लो हम इसमें कोई आइसक्रीम जमाने के लिए रख देते हैं, मान लो 4 स्टार रेटिंग वाला जो फ्रिज है वो आइसक्रीम को 60 मिनट में जमा देता है, ठीक है। वही 3 स्टार रेटिंग वाला जो फ्रिज है वो भी 200 वाट का ही है, उसमें भी हम आइसक्रीम उतना ही रखते हैं जमाने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, हमारी आइसक्रीम को 60 मिनट में जमा कर 65 मिनट में जमाता है, सॉरी 65 मिनट में जमाता है। तो ऐसे में ज्यादा अंतर कहाँ आया, सिर्फ 5 मिनट अधिक लगा, ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फ्रिज इसलिए नहीं लेते हैं कि हमको आइसक्रीम जमानी होती है रोज रोज, है ना, हम क्या करते हैं ताकि वो सब्जियों को ठंडा रख सके, है ना, फल फूल जो सब्जी होती है उसको ठंडा रख सके काफी लंबे समय तक, इसीलिए। तो ऐसे में ज्यादा स्टार रेटिंग पर ध्यान देना कोई मतलब वाली बात नहीं होती है, है ना। और बात ये रही कि जितना ज्यादा स्टार रेटिंग का फ्रिज लोगे वो उतना ही महंगा पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में आपको अगर देखो आपका बजट बनता है तो आप 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज लो, बेझिझक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं बनता है तो आप अगर 3 स्टार रेटिंग का भी फ्रिज ले लेते हो तो काम आपका बढ़िया से चलता रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी आने वाली नहीं है। ये नहीं कि 4 स्टार रेटिंग वाला 3 स्टार से बढ़िया होगा, आपका काम तब भी चलेगा, है ना। अब बात आ गई, हमें यहाँ पर एक और चीज देखना चाहिए, कुछ फ्रिज नए मॉडल के होंगे, कुछ पुराने। नए मॉडल का मतलब मान लो इस समय 2020 का समय चल रहा है ना, 2020 मई, तो इस समय जो फ्रिज लॉन्च होगा मई में वो नए मॉडल का होगा। तो असल में नए मॉडल का जब फ्रिज तुरंत तुरंत कोई भी मशीन या कोई भी मोबाइल आप देखे होंगे लॉन्च हुआ होता है तो उस समय उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए, अगर हमारा बजट टाइट है तो ऐसी कंडीशन में
हमें कोशिश करना चाहिए, अगर हमें नया ही मॉडल लेना है तो तुरंत का नया मॉडल ना लेकर हम उससे 3-4 महीना पीछे का मॉडल ले लेते हैं। मान लो हमने 2020 का ही मॉडल लिया लेकिन जनवरी का ले लिया, तो ऐसे में क्या होता है, लगभग 4-5 हजार का अंतर आ जाता है क्या? हाँ, 4-5 हजार का अंतर आ जाता है। ऐसे में क्या इसमें कुछ दोनों में अंतर होगा? मतलब अगर दोनों ही 200 वाट के फ्रिज हो तो दोनों में अंतर होगा? नहीं, सिर्फ मॉडल और खूबसूरती का अंतर होता है। हाँ, हो सकता है ये जो मॉडल लॉन्च हुआ है ये भी 200 वाट का है और ये भी मॉडल 200 वाट का है, ठीक है, दोनों में 4 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, तो हो सकता है ये जो नया मॉडल हो ये इससे लगभग 5% ज्यादा बेहतर हो, क्या सिर्फ 5 या 10% ज्यादा बेहतर हो, तो ऐसे में भी आपके काम करने की दर पे कोई ज्यादा असर नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 5% ज्यादा ये वाला बेहतर हो, तो ऐसे में इसके लिए आप ज्यादा पैसा खर्चा करो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमको क्या किस तरह से फ्रिज लेना चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए, ओके। तो अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। जी हाँ, इसको इरेज करते हैं फटाफट। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी फ्रिज लो तो उसमें वॉटेज देखो, ना कि उसकी रेटिंग। रेटिंग तभी देखो जब आपको ज्यादा बेहतर नए मॉडल में लेना हो। लेकिन हाँ, अगर आपको कह दिया जाए कि एक फ्रिज 200 वाट का है और एक 500 वाट का, तो कौन सा बेहतर है? ज्यादा, जो ज्यादा वाला है वही बेहतर होगा, है कि नहीं? क्यों? वो ज्यादा पावर ले रहा है तो आउटपुट भी तो ज्यादा देगा। अब 280% मान लो, 160 होता है तो 580% तो उससे अधिक होगा ना, मतलब वो उससे अधिक काम कर रहा है, तो वो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्टार रेटिंग में लेने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। तो हमने क्या किया, अब हम फ्रिज लेकर चले आए, है कि नहीं? मान लो 5 स्टार रेटिंग वाली फ्रिज हमको लगभग 15 हजार की मिल रही थी, तो हमने 3 या 4 स्टार रेटिंग की फ्रिज ले ली जो हमको लगभग 2 या 3 हजार रुपए कम पड़ी, तो हमारा पैसा बचा ना, लेकिन काम हमारा वही होगा, है कि नहीं? अब लाते ही इस फ्रिज का उद्घाटन, कैसे? हमने उसमें एक बोतल पानी, 1 लीटर एक बोतल में पानी भरकर रख दिया जमने के लिए, अब ठंडा हो जाएगा तो हम पियेंगे, है कि नहीं? तो अब देखो बच्चा, यहाँ पर अब वो बोतल जमने के लिए हमने रख दिया। जमने का तो बर्फ किस टेम्परेचर पर जम जाता है? बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है कि नहीं? 0 डिग्री होता है। लेकिन इस समय पानी का भी तो कोई टेम्परेचर होगा जब हमने रखा, तो मान लो ये हमारा जो रूम टेम्परेचर है ये 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री से हमको उसको 0 डिग्री पर लाना होगा तभी वो जमेगा, है कि नहीं? 0 डिग्री पर लाना होगा तभी वो जमेगा ना, तो ऐसे में हमको कितना डिग्री कम करना होगा? हाँ देखो, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? T1 मतलब पहला टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर हमको कहां तक पहुंचाना है? T2, है ना? तो 0 में से अगर 25 घटा दोगे तो क्या आएगा? 25 ही आएगा। तो आप क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? स्पेसिफिक हीट का। हाँ, स्पेसिफिक हीट का। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा लेते हैं ध्यान से, 1 लीटर पानी को ठंडा करने के लिए, पूरी तरह से जमा देने के लिए। अब हमने क्या किया, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। 1 लीटर पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? 4.2। मतलब पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? आप सोचोगे 1 लीटर पानी की 4.2 है तो 2 लीटर पानी की 8.4 हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं। अब बात आ गई, देखो टेम्परेचर है ना, तो 0 T2 की जगह रखेगा और T1 की जगह 25, तो मतलब आंसर तो 25 ही आएगा, है कि नहीं? मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हमको क्या करना है? गिरा देना है टेम्परेचर। देखो बच्चा, अगर किसी भी मटेरियल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जितना टेम्परेचर उसको बढ़ाने में जितनी एनर्जी देनी पड़ी उसकी एनर्जी अगर उतना ही निकाल रहे हो तो उतना ही टेम्परेचर गिर जाता है। मान लो एक मेटल है, हाँ, एक लोहे का टुकड़ा है, हम इसका टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ा रहे हैं, हाँ, तो इसका टेम्परेचर मान लो कुछ पहुंच गया। अब इतना ही टेम्परेचर अगर हम निकाल लें तब भी क्या होगा, काम हमें उतना ही करना पड़ेगा जितना भी 4 डिग्री बढ़ाने में हमें काम करना पड़ा था। मान लो 4 डिग्री बढ़ाने में हमको 4 जूल के बराबर काम करना पड़ा, तो 4 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए 4 जूल के बराबर ही हमको काम करना होगा, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। ऐसे में क्या होता है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 25 डिग्री पे, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 105,000 जूल, ठीक है, मतलब 105,000 जूल हमारी एनर्जी क्या होगी, हमको निकालनी पड़ेगी, तब इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री पहुंचेगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे यहाँ पर, हाँ पानी तो -4 डिग्री सेल्सियस पे जमता है ना, पानी -4 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो ऐसे में देखो बच्चा, ध्यान देने वाली बात है, अब -4 डिग्री 0 से नीचे होगा, हाँ -4, तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या रखोगे, देखो ध्यान से, अब पहले टेम्परेचर आप 0 डिग्री करोगे तो आपको 25 डिग्री, हाँ 25 डिग्री क्या होगा, टेम्परेचर कम करना होगा, तो 0 में से 25 घटा देते हो तो क्या आएगा, -25, क्यों? सिंबल बड़े वाले की तो लगता है, गणित में पढ़े होगे ना, मैथ में,
जो सिंबल होता है प्लस या माइनस का वो बड़ी वाली संख्या पे, नंबर कौन सा बढ़ा है, जीरो बढ़ा है या 25, 25 बढ़ा है तो सिंबल क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस पे जो बड़ी संख्या पे जो सिंबल है वो माइनस का है कि नहीं। अब आ जाते हैं माइनस चार, है ना। अब माइनस चार डिग्री क्या करना है, इसको पहुंचाना है माइनस चार। अब देखो यहाँ पर सिंबल क्या है, दोनों का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। ये क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे ना माइनस माइनस क्या होता है, अरे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। हाँ क्या हुआ, अगर दोनों संख्या प्लस में है तो वो जुड़ जाएंगी, दोनों संख्या माइनस में है तब भी वो जुड़ जाएंगी, अगर एक संख्या प्लस है दूसरी माइनस है तब वो घट जाएगी। निशान किसका होगा, सिंबल किसका लगाओगे, जो संख्या बड़ी हो, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। अगर संख्या माइनस है और दूसरी प्लस है तब भी सिंबल किसका होगा, जो संख्या बड़ी हो। तो यहाँ पर देखो दोनों माइनस माइनस है, मतलब ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, है ना। तो कितना आंसर आएगा, 29। अब निशान क्योंकि कौन सी बड़ा है, 25 बड़ा है कि नहीं, 25 पर माइनस का सिंबल है तो माइनस 25। अब इससे हमें पता चला कि अगर हमें 25 से माइनस 4 पर ले जाना है, है ना बच्चा, 25 से माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है, तो उसके लिए हमको लगभग माइनस या उसके लिए हमें 29 डिग्री टेम्परेचर कम करना होगा, कितना 39 डिग्री टेम्परेचर हमें कम करना होगा। इतना समझ में आया, तो अब माइनस में चला जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर हमें कितना कम करना था, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना डिग्री सेल्सियस पर मतलब इतना जूल अगर हम एनर्जी निकाल लें, क्या करना है, एनर्जी निकाल लें, एनर्जी माइनस में आई ना, अगर एनर्जी प्लस में आती तो मतलब हम दे रहे होते, प्लस में एनर्जी आती तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर माइनस में आई आंसर अगर माइनस में सॉरी आंसर अगर माइनस में आया है तो आप समझ लोगे कि एनर्जी निकाली गई है, ठीक है, एनर्जी निकाली गई है। तो ऐसे में हमने कितनी एनर्जी निकाली, 1,05,000 जूल एनर्जी निकाली है। अब इतनी एनर्जी निकल जाने के बाद उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब याद रखो बच्चा, 0 डिग्री से बर्फ का टेम्परेचर अधिक नहीं होता है, क्यों, अब क्या होगा, अब इसके बाद वो क्या होगा, फ्रीज होना चालू हो जाएगा, मतलब जमना चालू हो जाएगा। अब वो लिक्विड क्या होगा, जब जमेगा, लिक्विड जब जमेगा तो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मतलब लिक्विड से वो सॉलिड में बदल रहा है। तो आप किस चीज का फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे आप लेटेंट हीट का फॉर्मूला, कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो रहा है, वो फ्रीज हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, जैसे हमने लेटेंट हीट के चैप्टर बताया था, नहीं देखियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला बना लेटेंट हीट का, ये है ना, मास कितना है, 1 किलो, 1 किलो बर्फ को जमाने के लिए हम, हरा बर्फ का लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, 334 जूल प्रति ग्राम, मतलब 334 जूल अगर एनर्जी निकाल देते हैं तो 1 ग्राम बर्फ जम जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टोटल 1 किलो बर्फ जमाने में हमको और कितना एनर्जी हमें निकालना पड़ा। तो इस तरह से हमें पता चल गया, पहले हमें टेम्परेचर कम करने में कितनी एनर्जी निकालनी पड़ी, फिर उसको बर्फ में जमाने के लिए। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, बहुत अच्छे। अब जोड़ ही देते हैं, हाँ कौन सी, ये Q1 हो गई और ये Q2 है कि नहीं। तो Q1 को आप जोड़ देते हैं और Q2 को जोड़ देते हैं, तो टोटल एनर्जी हमें जो मिलेगी जोड़ने पर वो आएगी 439,000, 439,000, ठीक है जूल। अब बात आ गई, हमें टोटल एनर्जी पता चल गई कि हमारा बल्ब जमने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए। अब बात देखो, अब यहीं से स्टार्टिंग शुरू होता है, देखो क्या कि हमारा फ्रिज इतनी एनर्जी कितने समय में निकाल सकता है, हाँ असल में पर सेकंड वो कितनी एनर्जी निकाल सकता है, ये डिपेंड किससे करता है, वो कितना आउटपुट दे रहा है ना। तो हमारा फ्रिज कितना आउटपुट दे रहा था, अरे 80% एफिशिएंट है तो 160 वाट के बराबर दे रहा था, तो हम 160 वाट को 160 जूल पर सेकंड कह सकते हैं, मतलब क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारा फ्रिज क्या करता है, ठंडा करता है, मतलब वो एनर्जी निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि 160 जूल पर सेकंड ये एनर्जी निकाल सकता है, मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी निकाल सकता है, 160 जूल, ठीक है। तो इतनी एनर्जी निकालनी है, इतनी एनर्जी कितने समय में निकालेगा, डिवाइड कर दो इससे, हाँ जो आपके फ्रिज का आउटपुट है, ठीक है, जूल पर सेकंड, तो जूल से जूल का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आएगा सेकंड में, ठीक है। तो हमने जब कैलकुलेट किया बच्चा, तो हमें पता चला ये जो काम करेगा ये लगभग 2,7,4,3.7 सेकंड लगाता है, मतलब टोटल अगर इसको मिनट में बदलना हो, देखो आंसर जो आया सेकंड में आया, सेकंड वाले आंसर को अगर मिनट में बदलना हो, क्योंकि सेकंड क्या है, मिनट से छोटा है, तो आप कह सकते हो अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना होता है तो भाग दे देते हैं, क्या, हाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है मिनट में, क्या, हाँ मिनट में, तो मिनट में आता है क्या, 45.7 मिनट, मतलब हमारा जो बोतल का बर्फ है वो लगभग 45.7 मिनट में जम जाएगा पूरी तरह से, है ना, बोतल में जो पानी है वो पूरी तरह से जम जाएगा।
अब ऐसी कंडीशन में देखो, मान लो हमारी बोतल फट गई, तब आप क्या करोगे? कैसे फटी? असल में कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, फ्रिज में पानी भरते हुए ये भूल जाते हैं कि बोतल थोड़ा हल्का खाली करना चाहिए, थोड़ा सा खाली छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पानी बर्फ में बदलता है तो वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो फैलता है ना, पानी को ज्यादा जगह चाहिए। ऐसे में क्या होता है, वो बोतल को फाड़ सकता है। कभी कभी बारिश के समय में क्या होता है, पाइप के अंदर जो पानी सप्लाई वाली पाइप होती है उसके अंदर भी ठंडा हो जाने की वजह से पानी अगर जम जाता है, तो जब पाइप के अंदर बर्फ फैलता है तो वो लोहे की पाइप तक को फाड़ देता है, याद रखो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसीलिए हमेशा पानी जब भी भरो थोड़ा बोतल खाली छोड़ दो, है कि नहीं? एकदम फुल नहीं कि नहीं, हमको ज्यादा पानी पीना है, थोड़ा सा खाली छोड़ो ना, पूरा थोड़ी से ना खाली छोड़ने के लिए गए। तो अब हमें पता चल गया कि किस तरह से ये हुआ। लेकिन अगर मान लो हमारा जो बर्फ जमा बोतल का, ठीक है, पूरी बोतल जम गई, वो 45 मिनट में, 45.7 मिनट में ना जम के 4 घंटा लग गया जमने में, क्या? हाँ, 4 घंटा लग गया। ऐसे में फ्रिज क्या है, खराब है? नहीं, फ्रिज में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा होता है कि हो सकता है हमारा फ्रिज एक डोर वाला हो, मतलब एक दरवाजे वाला हो, या दो दरवाजे वाला हो। कुछ फ्रिज ऐसे होते हैं बच्चा, आप देखे होंगे ना, उसमें सिर्फ एक दरवाजा होता है, उसमें जो फ्रीजर होता है बर्फ जमाने वाला और नीचे का कंपार्टमेंट दोनों एक ही होता है, कुछ इस तरह से, है कि नहीं? और दूसरा होता है जिसमें फ्रीजर ऊपर अलग होता है और नीचे सब्जी वब्जी बाकी चीज दूध रखने वाला अलग होता है। तो इस पर भी असर पड़ता है, देखो कैसे। अब मान लो हमने क्या बोला, हमारा 45 मिनट में ना जमकर कितने मिनट में जमा, 4 घंटे में। तो 4 घंटे को पहले सेकंड में बदल लो, हाँ 4 घंटे में जमा, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रीजर है वो कितनी कैपेसिटी का है ना, मतलब कितनी जूल एनर्जी पर सेकेंड निकाल सकता है जो हमारा फ्रीजर है, ठीक है, पूरा फ्रिज नहीं। तो देखो कैसे, 4 घंटे को अगर आप सेकेंड में बदलोगे तो हमारा आंसर आएगा 14,400 सेकेंड, है ना, 14,400 सेकेंड। और टोटल एनर्जी कितनी निकालनी थी, हाँ 4,39,000, है कि नहीं, 4,39,000, है कि नहीं? तो इसके जगह हम नीचे टाइम लिख देते हैं, कितना, 1,440, है ना। तो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना आसान हुआ, है ना। अब आसानी से सॉल्व करने के बाद पता चलेगा जो हमारा आंसर आएगा, देखो बच्चा यहाँ पर जूल से जूल अब नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि नीचे जो नंबर है वो सेकंड में है, टाइम दिया है ना, टाइम को हमने सेकंड में रखा है, और ऊपर क्या है, हीट है, जूल जूल में दिया हुआ है। तो अब जो आंसर आएगा वो जूल पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आया वो हमें पता चला वो 30 जूल पर सेकेंड, मतलब हमारे जो फ्रीजर था जो बर्फ जमाने का काम कर रहा था, जिसके हमने बोतल में पानी भर के रख दिया था, वो लगभग 30 जूल 1 सेकंड में एनर्जी निकाल पा रहा था। तो मतलब हमारा फ्रिज जो है वो 160 जूल दे रहा था ना, तो ये कैसे फ्रिजर 30 जूल दे रहा है? यही कारण है, ये कारण है असल में। देखो अगर हम सिंगल डोर वाला एक दरवाजे वाला फ्रिज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ऊपर के कंपार्टमेंट में फ्रीजर होता है ना। फ्रीजर की क्योंकि ज्यादातर जो सतह होती है वो मेटल की बनी होती है कि नहीं? अब यहाँ पर फ्रीजर क्या कर रहा है, मान लो इस फ्रीजर में यहाँ पर हमने बोतल रख दिया, तो ये बोतल से हीट को निकाल लेगा, हीट को निकालेगा, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, नीचे जो फल और सब्जियां है उनकी गर्मी को भी वो बहुत तेजी से निकालता है ना। तो बाकी एनर्जी क्या है, वो नीचे से भी लेता है, नीचे से भी चीजों को ठंडा करने में चला जाता है। अब यही कारण होता है कि जो हमारा फ्रीजर है जो सिंगल डोर वाला होता है उसकी जो फ्रीजर की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, ठीक है, सिंगल डोर वाले में यही दिक्कत आती है। और जो दो दरवाजे वाले होते हैं, ठीक है, दो दरवाजे वाले जिसमें ऊपर का फ्रीजर के लिए अलग दरवाजा लगा होता है बर्फ जमाने के लिए और नीचे खोलने के लिए अलग, उसमें भी कभी कभी यही होता है। कब कब, याद रखो, फ्रीजर अगर खोल कर देखते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, तो अगर फ्रीजर और नीचे वाले कंपार्टमेंट के बीच अगर कोई प्लास्टिक की परत है, याद रखो मेटल की नहीं प्लास्टिक की, तो आप समझ लो कि जो आपका फ्रीजर है वो बहुत ज्यादा तेजी से ठंडा करेगा। हाँ क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तेजी से नीचे की हीट को खींच नहीं पाएगा अंदर, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल डोर वाले और डबल डोर वाले फ्रीजर में क्या अंतर है कि नहीं, इस सवाल द्वारा, है, बहुत अच्छे बच्चा। अगर हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो अब आप हमें नंबर भी दे सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पोल पर, ठीक है, वहां पर जाइए, 1 से लेकर 5 तक नंबर दिया हुआ है, आप अपनी खुशी के अनुसार जो आपको अच्छा लगा हो देखने में सीखने में, हाँ आप हमें नंबर दे सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमने इतनी मेहनत करके जो आपको बताया, ठीक है, जो आपको बताया वो आपको अच्छा लगा या नहीं, ठीक है, या हम आपको कुछ सिखा पाए या नहीं। और इसी तरह से आप और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो उसको भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।